तो वह सब गाइस, मैं हूँ अविनाश, आपका देसी ऑल स्पॉट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखो, आज तो कोई राइड का प्लान नहीं था, वैसे ही आज तो सैटरडे है, मेरा वीकेंड छुट्टी में रहता है आजकल, तो इसीलिए थोड़ा टाइम बचा था, इसीलिए मैं आ गया एक दोस्त के साथ। एंड हम लोग जो अभी है ना, वो दूर दिख रहा होगा आपको एक आयरन ब्रिज, तो मेरे बहुत सारे दोस्त लोग ऐसे आए थे यहाँ पे। फिर क्या हो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मन किया यार आने का, मुझे देखने का कि ये ब्रिज आखिर कैसा है। तो ये ऑलमोस्ट रायगढ़ से 5 या 10 किलोमीटर होगा, मतलब जो मेन सिटी है 5 या 10 किलोमीटर। एंड यस, मैं GoPro में अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये पास में एक नदी बहती है, तो अगर नॉइज़ आता है तो प्लीज़ जस्ट बेयर विथ मी, क्योंकि मेरा मोबाइल अभी है बट चार्ज उसमें बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड उसके अलावा मैं बोला था कोई प्लान्स नहीं था, फिर ऐसे घूमने के लिए आ गए देखने के लिए कि ये ब्रिज कैसा है। फिर चलिए फिर शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, कहाँ से ये मोटो व्लॉगिंग कम अपना क्या बोलते हैं ट्रैवल व्लॉगिंग कैसे होता है, क्योंकि देखो तो फिलहाल अभी इससे पहले जो आपने क्लिप देखा था वो था मेन मार्केट का, मतलब वो सिटी के अंदर वाला, और अभी फ़िलहाल तो सिटी से बाहर ऑलमोस्ट आ चुके हैं, पूरा तो नहीं बोल सकता क्योंकि ये देखो ये एरिया ऐसा है कि आप सिटी से थोड़ा बाहर जाओगे तो भी छोटे छोटे गांव मिल जाएंगे आपको। तो आज का प्लान पता नहीं यार, देखो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलता है, तो 2 दिन में पता नहीं कहाँ पर ऐसे छोटे छोटे राइड में जाना, फिर घूमना, वो सब ही करना होता है यहाँ पर। और देखो पेट्रोल 410 कितने अच्छी 105 ही लड़ने की। कौन है ना लगाना भैया, बाहर क्लिप गया है। तो देखो मैं बोल रहा था आज यहाँ पे कोई एक तो आयरन ब्रिज है, मैं देखा था, दोस्त लोग गए थे मेरे, बहुत ही सुंदर जगह है, और वो ब्रिज में ना फ़ोटोज़ अच्छे अच्छे आते हैं, वीडियोस अच्छे अच्छे आते हैं, तो इसीलिए मुझे ही मन बन गया। देखो 2 दिन छुट्टी मिलता है वीकली, तो वही थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। फिर अभी शायद बारिश भी होने वाली है, वेदर देख रहे हो ना आप लोग, एक दो बूंदें तो वैसे भी गिर रही है। और वो रहा पेट्रोल की बात, अभी जो पेट्रोल पंप में आपने सुना ही होगा 105 हो गया है यहाँ पे, गजब है यार। मतलब मैं 410 का पेट्रोल डाला, 4 लीटर भी नहीं आया पेट्रोल। मस्त प्लेस है यार, मस्त प्लेस है। देखो ऐसा प्लेस ना बाहर नहीं मिलेगा कहीं पे भी, ये जो उड़ीसा में भी आप लोग अगर देखोगे तो जितना भी, ये देखो ब्रिज, मतलब मैं ये सराउंडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ये देखो उड़ीसा में भी ना, आप लोग अगर साउथ के तरफ आओगे जो कोरापुट हो गया, फिर जयपुर रायगढ़ा, ये सब एरिया में ही ऐसे प्लेसेस आएंगे, मतलब सिर्फ जंगल ये सब आएगा, नहीं तो बाहर हाँ है, ऑब्वियसली है वो मलकानगिरी ये सब है, बट मैं जितना एक्सप्लोर किया हूँ आज तक मैं उतना बोल पा रहा हूँ। और बाकी अगर आप थोड़ा ऊपर चले जाओगे ब्रह्मपुर भुवनेश्वर ये सब में तो कुछ भी नहीं है, छोड़ो। भाई कुछ भी बोलो बट रास्ता गजब है यार, मतलब ये देखो अभी एक छोटा सा घर है यहाँ पे, पहाड़ तो मैं बोल नहीं सकता, जंगल की तरह ही है, बहुत बहुत सही है। भैया पेरी गांव ब्रिज कोड है ना, से लुहा ब्रिज चढ़ा था तो रास्ता कोड है जे तो फिलहाल तो पहाड़ चढ़ रहे, मुझे नहीं पता था कि हमको एक घाट रास्ता भी बीच में आएगा बोलकर। वो भाई गजब है। तो
मुझे नहीं पता, ये रास्ते में पहली बार जा रहा हूँ मैं। वहाँ पे जितना बोले ये नीचे बोल के, मैं और मेरा एक दोस्त है तो दोनों मिलके जा रहे हैं, तो पता नहीं देखते हैं क्या होता, नहीं तो घूम फिर के आ जाएंगे फिर से, क्या ही है। हाँ तो मैं बोला था, एक रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ क्लब हाउस, तो वहाँ पे कुछ लोग आए थे, मतलब जो करियर मेंटर्स थे, फिर कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वो थे, वो लोग तो बहुत लोग, मतलब हंड्रेड्स में लोग ज्वाइन किए थे वो वाला शो। तो वहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन चल रहा था, मतलब लाइफ में क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक हॉबी होना। तो वहाँ से भी बहुत कुछ मैंने सीखा यार, सही में बोलूँ तो मैं तब रियलाइज़ भी किया कि जब एक हॉबी होता है ना, मतलब लाइफ में जितना भी फ्रस्ट्रेशन हो पूरे दिन का या रात का, तो फिर 5 मिनट का भी अगर आप वो कर लो ना, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुकून मिलता है। जैसे ये एक है, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। वो ऑफ रोडिंग का एडा फाइनली ये वाला, वो सामने जो है ना वो वाला ही यहाँ का वो आयरन ब्रिज बोलते हैं। मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट फिर भी फ़ोटो 2-3 ले लेंगे, फिर 2-3 रील बना लेंगे, वही तो काम है आज का, नहीं तो और कुछ भी नहीं। और वैसे भी यार सही में बोलूँ तो ऐसे ही पूरा टाइम वेस्ट हो रहा था घर में बैठ कर, तो और कुछ काम भी नहीं था, इसीलिए निकल गए हम लोग। यार यहाँ पर आने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा जो बोलते हैं ना, पर स्टिल वर्थ इट। मुझे तो नहीं, अच्छा है यार पूरा चारों तरफ जो आयरन का है ना, ये अच्छा है। और ये साइड में तो नदी बह रही है, तो और कुछ नहीं। और शायद वो सामने वाला अपना एक छोटा सा स्कूल है, ये पंचायत के लिए स्कूल ही होगा, दिख रहा है जैसे वॉल में पेंट करते हैं ना छोटे छोटे गांव में स्कूल में, तो वही है। तो ये रास्ता वो ऊपर गांव में कनेक्ट हुआ है जी, वही ना बोले था यार। देखो सही में बोलूँ तो इसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि अभी ये वीडियो में आप लोग देखोगे कि हम लोग किसी को पूछे भी, ये पास में जो लोकल्स रहता है ना उनको पूछे कि पेरीगांव ब्रिज कहाँ पे है, तो वो लोग बोले इसका नाम पेरीगांव नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली ब्रिज बना दिए ये लोग। तो ये एरिया का नाम, मतलब ये जो पास में गांव है ना, इसका नाम है पेरीगांव, फिर एक नॉर्मल ब्रिज है, तो ये एक थोड़ा न्यू जैसा है हम लोग के मतलब एरिया में, न्यू तो नहीं बोल सकता बट यस वन ऑफ ए काइंड। तो एक और भी ब्रिज है, झूला ब्रिज बोलते हैं इसका, नेक्स्ट वीडियो मैं करूँगा कल या परसों, जब भी टाइम मिलेगा तब मैं बनाऊँगा वो वीडियो वहाँ पर जाकर। तो इसको यस बेसिकली पेरीगांव ब्रिज बोलते हैं, एंड इट्स ऑलमोस्ट 10 to 15 kilometers मैक्सिमम फ्रॉम रायगढ़। इस जो नदी के बारे में बोल रहा था ना, ये है वो नदी, देखो आप यहाँ पे नदी देख सकते हो अपना, ये रहा देखो, ये रहा अपना ब्रिज स्टार्टिंग हो रहा है, फिर वहाँ पे नदी, गांव वाले ऐसे वहाँ पे आते होंगे फिर नहाने के लिए सब, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, तो इस तरफ भी नदी, ये नीचे से जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे है अपना बाइक और उधर एक अपना दोस्त बैठा है प्रबुद्ध बोलकर। ये पूरा ऑफ रोडिंग आज, ऑफ रोड।